डीएनए का स्केल मॉडल। स्केल मॉडल क्या है? स्केल मॉडल ऐसा अदर नेम होता है वॉटसन एंड क्रिक मॉडल। वॉटसन एंड क्रिक मॉडल वॉटसन एंड क्रिक मॉडल क्या है? ये मॉडल हमने क्या पढ़ा? दरअसल जितनी इंफॉर्मेशन हम पहले पढ़ा है सारी बातें हमने करना है पेज पर लिखते उसको पब्लिश करता है। क्या करवा दिया उसे? पब्लिश, उसको पब्लिश करवा दिया और उसको नाम दे दिए अपने नाम से। बात करते जो बात है हमें बताई वो कितनी बात बताए हैं हमें मालूम, यानी प्रोफेसर फ्रैंकलिन और मिस्टर स्मिथ ने बताई जो बातें हमने सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करके हमने जर्नल होते हैं रिसाले रिसर्च जर्नल उसके अंदर हमने पब्लिश किया। उसको नाम दिया वाटसन क्रिक मॉडल 1953। हमने ये नाम मॉडल के मुताबिक डीएनए का मॉलिक्यूल डबल स्ट्रैंडेड है, डबल स्ट्रैंडेड। देयर आर टू स्ट्रैंड, एक की ओरिएंटेशन है 5-3 और दूसरे की ओरिएंटेशन है 3-5। ठीक है, एक है 5-3 और दूसरा इसकी बिल्कुल अपोजिट है 3-5। दोनों स्ट्रैंड एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल का मतलब अपोजिट। ठीक है, अपोजिट यानी ये 5-3 और 3-5 का मतलब नहीं अपोजिट। मॉलिक्यूल जो है वो हेलिकल ज्योमेट्री रखता है। इस वजह से मॉलिक्यूल को एलेक्स भी बोलते हैं, एलेक्स। पादवान को डुप्लेक्स बोलते हैं, पादवान को एलेक्स बोलते हैं। डुप्लेक्स का मतलब भी यही है, डबल स्टैंडर्ड हेलिकल। डुप्लेक्स मीन डबल स्टैंडर्ड हेलिकल सेट। मॉलिक्यूल का डायमीटर 2 नैनोमीटर है और हेलिकल टर्म्स वैल्यू 3.4 नैनोमीटर या 34 आंगस्ट्रॉम पर मौजूद है और हर हेलिकल टर्म के अंदर 10 बेस पेयर्स, 10 बेस पेयर्स पर ईच हेलिकल टर्म। हर टर्म के अंदर कितने बेस पेयर हैं? मॉलिक्यूल के अंदर नाइट्रोजन बेस मौजूद है, नाइट्रोजन बेसेस हैं, दीज आर प्लैनर और इनके दरमियान जो है ना जो डिस्टेंस होता है बेस पेयर के दरमियान होता है 0.34 नैनोमीटर या 3.4 आंसर। ठीक है, या क्या होता है 3.4 आंसर। नाइट्रोजन बेस के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बेस पेयर के दरमियान क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। मतलब एडेनिन और थायमिन के दरमियान दो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं
जबकि गुआनिन और एडेनोसिन के दरमियान तीन हाइड्रोजन बॉन्ड है। देखो क्या है, और बेस पेयर जो है ना ये हाइड्रोफोबिक होती है, हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन अमंग बेस पेयर, बेस पेयर के दरमियान में हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन, हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन की वजह से ये जो डिस्टेंस है ना वो कांस्टेंट है, क्या रहता है ओके अब फिर से हम शुरू कर देंगे डीएनए डबल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल। एक फास्फेट उधर, फास्फेट उधर, फास्फेट उधर, फास्फेट फास्फेट उधर, फास्फेट इतना ये बैकबोन है, फास्फेट इनके फास्फेट नीचे, दूसरा स्टैंड इसके अपोजिट होता है या एंटी पैरेलल होता है, शुगर ऊपर होती है, शुगर फास्फेट, 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 ये दूसरा स्टैंड है, ये उसके एंटी पैरेलल है, ये है उन्होंने एमपीडी फाइन इस यूरिन में समझे बात। अब अगर यहां पे पाँच नंबर एडेनिन हो, यहां पे कौन सा बेस होगा, आयरन, यहां पे पाँच नंबर पर अगर गवानिन हो, यहां पे होगा साइटोसिन ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड, यहां पे पाँच नंबर अगर साइटोसिन हो, यहां पे क्या होगा हाइड्रोजन बॉन्ड, और अगर यहां पे थायमिन हो तो यहां पे होगा एडेनिन डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, यहां पे अगर एडेनिन हो तो डेफिनेटली यहां पे क्या होगा थायमिन डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, और अगर यहां पे हाइड्रोजन नंबर थायमिन हो हम भी क्या होगा एडेनिन डबल, ठीक है। ये नाम डीएनए का लीनियर स्ट्रक्चर, अब इसे कहेंगे ये प्राइमरी स्ट्रक्चर है डीएनए स्ट्रेट चेन, आपने प्रोटीन में भी पढ़ा था क्या है न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रेट चेन क्या होता है प्राइमरी स्ट्रक्चर, जैसे अमीनो एसिड का स्ट्रेट चेन क्या था प्राइमरी स्ट्रक्चर, बिल्कुल वैसे ही न्यूक्लियोटाइड का स्टेट चेन क्या है न्यूक्लियोटाइड ए डी सी बी ए टी ये न्यूक्लियोटाइड शुगर फास्फेट को मिला, लेकिन जब हम कहते हैं ए टी जी सी सी डी ये बेस पेयर, ठीक है। अब ये बेस पेयर हाइड्रोफोबिक, हमें कैसे पता चला ये हाइड्रोफोबिक है, क्योंकि ये मॉलिक्यूल में इनर साइड है, जो इस मॉलिक्यूल के अंदर चली जाती है वो एनवायरनमेंट के साथ इंटरैक्ट नहीं करती, तो क्या होती है हाइड्रोफोबिक, ये हाइड्रोफोबिक है यहाँ पे, इसलिए मॉलिक्यूल की इनर साइड में है, शुगर और फास्फेट हाइड्रोफिलिक होते हैं, क्या होते हैं हाइड्रोफिलिक, इसलिए वो मॉलिक्यूल में बाहर वाली साइड में है। अच्छा अब ये हाइड्रोफोबिक दो हाइड्रोफोबिक बेस पेयर के दरमियान हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन है,
क्या है? हाइड्रोफोबिक इंटर है ये और ये, ये और ये, ये डिस्टेंस जो है ना ये है 0.34 नैनोमीटर। हम इसकी बात कर रहे हैं, जब आप ये वाली बात कर रहे हैं ना बेस पेयर का प्लैनर एंड सेट एट 0.34 नैनोमीटर, ये इसकी हम बात कर रहे हैं। अच्छा ये आर दो बेस पेयर का डिस्टेंस जो है ना वो इतना ही है। अब इसका और इसका भी कितना है 0.34 नैनोमीटर, समझे? ओके अच्छा, अब ये मॉलिक्यूल डीएनए के मॉलिक्यूल का ये स्टेबल स्ट्रक्चर नहीं है, ये ध्यान रखिए। डीएनए का मॉलिक्यूल इस फॉर्म में एग्जिस्टिंग है, जैसे जैसे इसकी लार्जर और स्मॉलर बेसिस के दरमियान बॉन्ड बनते जाते हैं, एडेनिन गुआनिन लार्जर बेसिस है, थायमिन साइटोसिन स्मॉलर है, क्योंकि वो सिंगल रिंग है, एडेनिन गुआनिन डबल रिंग है इसलिए लार्जर बेसिस। इस फॉर्म में यूज करेगा, एलिगल फॉर्म में ये स्टैंड दिस इज रनिंग इन 5 2, ई दिस इज रनिंग इन 3 2 5, ठीक है? वो जो उन्होंने डिस्कवर किया था किसने करा? ह्यूगस विलियम और रोजालिंड फ्रैंकलिन, ये वही बात इन्होंने रिपीट कर दी, ठीक है? अब ये जो डायमीटर है मॉलिक्यूल का, ये 2 नैनोमीटर रहेगा, क्या रहेगा? 2 नैनोमीटर। कंप्लीट हेलिकल डालते हैं, हेलिकल डालते हैं यहाँ पे, और दूसरा हेलिकल डालना ये है, ये वो कंप्लीट हेलिकल डालना है जिसका डिस्टेंस कितना है 34 आंस्टर्म या 0.34 नैनोमीटर, और फिर बेस पेयर के डिस्टेंस है, साल अगर एक बेस पेयर यहाँ पे है दूसरा बेस पेयर यहाँ, ठीक है? ये कितना है जी? ये 3.4 आंस्टर्म या 0.34 नैनोमीटर, 3.4 आंस्टर्म या 0.34 नैनोमीटर, ये बात समझे आप? ये डीएनए का सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। हेलिकल स्ट्रक्चर क्या होते हैं? मेंबर अल्फा हेलिक्स। हेलिकल स्ट्रक्चर क्या होते हैं? सेकेंडरी अल्फा हेलिक्स, सेकेंडरी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्या था? सेकेंडरी नहीं था, सेकेंडरी था ना, ये भी सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। डीएनए का स्टेबल स्ट्रक्चर क्या होता है? सेकेंडरी होता है। स्टेबल स्ट्रक्चर क्या होता है डीएनए का, ये याद रहेगा? ओके, उसके बाद हम देखते हैं कि डीएनए की अमाउंट कितनी होती है, एक सेल में कितना डीएनए है, अमाउंट ऑफ डीएनए इन अ सेल। एक सेल में डीएनए की क्वांटिटी क्रोमोसोम के नंबर के साथ है, इस इधर लिख दे क्रोमोसोम नंबर के साथ, क्रोमोसोम नंबर के साथ है। इट इज लिंक्ड विद द नंबर ऑफ क्रोमोसोम। कैसे? एक क्रोमोसोम में डीएनए का एक मॉलिक्यूल, क्रोमोसोम में
डीएनए का एक मॉलिक्यूल है, तो एक सेल के अंदर जितने क्रोमोसोम होंगे डीएनए के मॉलिक्यूल होंगे, क्लियर। एक क्रोमोसोम में डीएनए का एक मॉलिक्यूल। अब हमारे सेल में कितने क्रोमोसोम है? 46। इसका मतलब हमारे हर सेल में डीएनए के मॉलिक्यूल है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। बहुत सारे लोगों को काम पावन यूज करते हैं, लोग समझते हैं कि क्रोमोसोम के अंदर पता नहीं कितने लाखों करोड़ों मिलियन ट्रिलियन डीएनए के मॉलिक्यूल। जब भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है ना कि क्रोमोसोम में डीएनए के कितने मॉलिक्यूल है, तो ज्यादातर जो सुनने वाले होते हैं ना उनके माइंड में बिलियन और ट्रिलियन का वर्ड आ रहा हो, हालांकि एक क्रोमोसोम में डीएनए का एक मॉलिक्यूल है, ज्यादा नहीं है। 46 अगर क्रोमोसोम है डीएनए के कितने मॉलिक्यूल है? बहुत सिंपल। अब आप बात नंबर ये समझ में कि एक क्रोमोसोम है हमारा, ये एक क्रोमोसोम है, ठीक है, ये इसके क्रोमेटिड, ये इसका सेंट्रोमेयर है। इसकी पूरी लेंथ के अंदर, इसकी पूरी लेंथ के अंदर डीएनए का एक मॉलिक्यूल, पूरी लेंथ में डीएनए का एक मॉलिक्यूल, इज दैट क्लियर। ये इतनी सी बात है, इतनी सीधी सादी बात है। अच्छा, जो हमारे जर्म सेल्स होते हैं स्पर्म और एग, उनमें क्रोमोसोम का नंबर क्या आ जाता है? आप आ जाता है। तो फिर डीएनए के मॉलिक्यूल की तादाद भी क्या हो जाएगी? ठीक है, स्पर्म के अंदर 23 क्रोमोसोम है, तो डीएनए के मॉलिक्यूल कितने होंगे? 23, ठीक है। और एग के अंदर 23 डीएनए क्रोमोसोम है, डीएनए के मॉलिक्यूल की तादाद भी कितनी होगी? ये बिल्कुल इतनी सिंपल सी सादा सी बात है, और इसमें कोई ट्विस्ट नहीं है, कोई इसमें परेशानी वाली बात नहीं, यानी बस आप चल रहा आज एक क्वेश्चन भाई, ये जो ऑनलाइन बैठे हुए हैं, कोई सवाल आपने पूछना हो इसकी वजह से वो पॉइंट है, यहाँ पे हाइड्रोजन मौजूद है, जब आमने सामने आएंगे ना जरा, ठीक है। अगर आप बुक के अंदर देखें, आपके पास टेक्स्ट बुक है, दिल्ली किताब यहाँ नहीं पड़ी होगी, इसमें पेज नंबर आप देख लें 33। मैंने लिया थायमिन का स्ट्रक्चर बना रहा है, डबल रिंग सिंगल रिंग, जो इसमें ये डायग्राम बनाया है, ये बराबर। अब आप देख लें तो दो हाइड्रोजन बॉन्ड डॉट नजर आ रहे हैं, यानी एडिनिन और थायमिन के दो ऐसे पॉइंट हैं जिनके साथ जो है कौन सा नहीं बना रहा, ठीक है। आप बेहतर ये है कि इसको मतलब हम इस तरह से अंडरस्टैंड कर लें कि हम इनका स्ट्रक्चर ड्रा कर लें, ठीक है, एडेनिन का और थायमिन का, ओके। थोड़ा सा स्ट्रक्चर ड्रा करता हूँ यहाँ पे ताकि आप बात की नाइट्रोजन कहां कहां पे नाइट्रोजन, एक यहां पे एक नाइट्रोजन यहां, ये बॉन्ड होता है डबल, ठीक है।
डिमांड क्या होता है, डबल, समझे हैं बात। अच्छा उसके बाद यहाँ पे जो कार्बन होती है ना, यहाँ पे कार्बन के साथ एक मिथाइल ग्रुप होता है सी एच थ्री, क्या मिथाइल। यहाँ पे डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन है, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन है, साइनियम में। यहाँ पे जो कार्बन, यहाँ पे कार्बन है, जो मैंने रिंग लेबल नहीं की है, जो जो कार्बन मैंने लेबल नहीं की है वो कार्बन को जाहिर कर, इस कार्बन के साथ यहाँ पे होता है सी एच थ्री। अब जिसके हाइड्रोजन और दूसरी तरफ जो है ना हमारे पास क्या है, एडेनिन। एडेनिन में एक हाइड्रोजन यहाँ पे है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे है, एक हाइड्रोजन इसको होता है यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, और ये पॉइंट बदल होता है एडेनिन में भी, ठीक है। अच्छा इसमें एक NH2 ग्रुप इसका यहां पे भी होता है, NH2 हाइड्रोजन नाइट्रोजन, ठीक है। और एक हाइड्रोजन यहां, ये बॉन्ड डबल, ये सिंगल, ये बॉन्ड क्या हो, बॉन्ड होगा डबल, फाइनल ये बनना ठीक है। ये सिंगल क्या होगा, समझे मेरे का। अब उसने जो यहाँ पे बॉन्ड शो किए हुए हैं, आप गौर से देखते हैं, एक बॉन्ड में ये शो किया होगा, एक ये हाइड्रोजन बॉन्ड है और एक ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अंदर एक तरफ हाइड्रोजन होना लाजमी है, दूसरी तरफ कोई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना चाहिए। नाइट्रोजन इज अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है, पहले मुझे ये बता दें कि मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिव नेगेटिविटी के सेटअप में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन सा होता है, क्लोरीन कितनी होती है, फोर। दूसरे नंबर पे कौन आता है, क्लोरीन की कितनी होती है, तीसरे नंबर पे कौन है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी, हाइड्रोजन की कितनी होती है, चलो हाइड्रोजन की अपनी कितनी है, वन, ये 1.5 है आई थिंक, 1.5, और नाइट्रोजन की होती है 2.1। नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन, ठीक है। इसलिए यहां पे इनके दरमियान क्या बनेगा, हाइड्रोजन एग्जैक्टली इसी तरह बॉन्ड बनेगा किसके दरमियान, गोनीन और एग्जैक्टली हाइड्रोजन बॉन्डिंग की समझ आई है, इट्स बिट कॉम्प्लिकेटेड, ओके। बाकी है यहां पर डीएनए आपका कंप्लीट हुआ, डीएनए का फंक्शन क्या है, डीएनए का फंक्शन है इट इज हेरिडिटरी मटेरियल, क्या है ये हेरिडिटरी मटेरियल है, एंड इट कंट्रोल द प्रोसेस ऑफ इनहेरिटेंस एंड कंट्रोल ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द सेल। डन, कल हम आगे पढ़ेंगे आरएनए के बारे में, इसको पढ़ के, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, व्हाट्स इन ग्रेट मदर इज लॉन्ग क्वेश्चन, बुक के अंदर लिखा हुआ है, आपने उसके पॉइंट बना लेने। हाँ भाई आपको क्लियर है सबको, यस सर, ओके गुड गुड। तो ये चैप्टर जैसे ही तमाम होगा इस हाफ का टेस्ट होगा, डिफरेंट प्रोटीन।